आज के टाइम पे लोग अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। ये चीज का मेन कॉज ये है कि वो मेंटली काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। उनका माइंड जो है टायर्ड रहता है, एग्जॉस्टेड रहता है, बिजी रहता है कुछ और सोचने में। पर इसका मेन कारण जब एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया तब ये निकला कि लोग 80% टाइम यही सोचने में रहते हैं कि अपने रिश्ते यानी अपने रिलेशंस अच्छे कैसे बनाएं। हो सकता है वो मदर चाइल्ड रिलेशन हो, आपके और आपके पिताजी का, आपके आपके फैमिली मेंबर का, किसी का भी रिलेशन हो, वो आप कैसे अच्छा करें, कैसे उसे अच्छा बनाएं, ये चीज़ सोचने में 80% टाइम जाता है इंसान का। तो मैं हूँ आगम जैन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह बेटर रिलेशंस बना सकते हैं आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव, इस दुनिया के किसी भी इंसान से आप किस तरह बेटर रिलेशंस बना सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपको रिलेशंस बनाने क्यों चाहिए? जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि लोग 80% टाइम अच्छे रिलेशंस बनाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये अवॉइड करने के लिए आपको रिलेशंस बनाने चाहिए। आपके रिलेशंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आपका अच्छा ग्रोथ होगा। हेंस योर रिलेशंस आर इक्वल टू योर ग्रोथ। आपके रिलेशंस अगर अच्छे होंगे तो आप मेंटली फ्रेश रहोगे और आप कोई भी काम में फोकस के साथ ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके रिलेशंस किसी के भी साथ ज़रा से भी बिगड़े हुए हैं ना, तो वो आपको आपके माइंड में हमेशा चुभता रहेगा। कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, इसीलिए आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो। गुड रिलेशंस इज इक्वल टू गुड ग्रोथ। अब ये तो हो गया रिलेशंस अच्छे क्यों चाहिए उस बारे में बात, पर रिलेशंस अच्छे बनाए कैसे उस बारे में बात करते हैं। रिलेशंस अच्छे बनाने के 3 तरीके हैं। पहला है प्ले। आप जितना ज़्यादा खेलते हो, जितना ज़्यादा कम्पीट करते हो, उतना ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनते हैं। आप कोई भी आपके फैमिली में थोड़े टाइम के लिए शाम को ऑफिस से आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद एक गेम निकाल के बैठो, वो गेम खेलो, आपका जैसे ही कॉम्पिटिशन बढ़ेगा आपका रिलेशन भी बेटर होता जाएगा। क्योंकि जब कोई पर्सन एक गेम में रहता है, कोई एक गेम खेल रहा रहता है, तब वो भूल जाता है कि सामने वाला उसका एनिमी है। और कई बार, बहुत बार इंटेंस गेम में ये भी भूल जाता है कि सामने वाला उनका फ्रेंड है। एक गेम के थ्रू सामने वाले पर्सन को लेसन भी मिल जाता है और आपके रिलेशंस भी सुधर जाते हैं। रिलेशंस गेम के थ्रू किस तरह सुधरते हैं? होता क्या है कि जब आप गेम खेलते हो, अभी अगर आप टीम गेम खेल रहे हो, तो आप और आपके टीम जो टीम वर्क करेंगे उसके वजह से आपके और आपके टीम के रिलेशंस बहुत बेटर हो जाएंगे। भले ही आपके टीम में आपका बेटा क्यों ना हो, आपके पिताजी क्यों ना हो, आपके माँ, आपके बहन भाई जो भी हो, आपके उनके साथ रिलेशंस बेटर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट प्ले। लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है टॉक, बातें करो। अब नॉर्मली लोग बातें में भी डिस्कशन चालू करते हैं, वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है और बाद में झगड़े हो जाते हैं। पर बातें ऐसे मत करो जिसमें डिबेट हो, बातें ऐसे करो जिसमें आप सब या फिर आप और आपके साथ जो पर्सन है वो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो। इसके वजह से डिबेट नहीं होगा और डिबेट के वजह से झगड़ा नहीं होगा और किसी का मन, किसी का दिल खराब भी नहीं होगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट टॉक। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो है वो है डिसाइड। आप अपने फैमिली रिलेटिव्स या जिसके साथ भी आपको अच्छे रिलेशंस रखने हैं उसके साथ बैठ के
कोई भी चीज का डिसीजन लो, वो डिसीजन में यू नीड टू मेक श्योर कि आपके साथ जो भी पर्सन है वो भी अपना पॉइंट रखे और फिर आप डिसीजन लो। अब डिसीजन लेने में इतना क्या खास है जिससे आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे? एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रूव हुआ था कि जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन का डिसीजन लेता है, कोई भी रिलेटेड टू एनीथिंग, अगर कुछ भी डिसीजन लेता है, उस वजह से सबकॉन्शियसली वो पर्सन के माइंड में ये जाता है कि आए कि उसके लाइफ में कुछ तो इम्पोर्टेंस है मेरी भी, जो वो मेरी बात सुन के कोई डिसीजन ले रहा है। एंड ड्यू टू दिस सिंगल थॉट आपके रिलेशंस उसके साथ और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जब भी किसी को लगता है कि आपके लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है और उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, वो टाइम पे आपके और उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपके और उनके रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं। इसीलिए आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ का डिसीजन लेना है, जैसे कि कल मैं ऑफिस जाऊँ या नहीं जाऊँ, कल मैं वॉक पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, ऐसे छोटे मोटे डिसीजन लेने से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। अभी जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सब चीज़ें आप जब करो तब आप थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका फ़ोन साइलेंट पे रख दो, टीवी ऑफ कर दो, जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो सब डिसकनेक्ट कर दो एंड सिर्फ वो टाइम आपको और आपके रिलेशंस को दो। दिस इज़ आगम जैन साइनिंग आउट एंड टिल वी मीट अगेन।